डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनी जिल एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एवेल्युएट डेफिनेट इंटीग्रल्स। हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट्स भी हमें डिफाइन है। पहले क्वेश्चन है कि इंटीग्रल -1 to 3 x इनटू x -1 इनटू x +2 dx, अब इस ये किसके इक्वल होगा। लेट देखें, यहाँ पर हम f ऑफ x को सपोज कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, x इनटू x -1 x +2 है। और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है, ये अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो x स्क्वायर माइनस x इनको क्या आएगा, x +2 है। इसको मजीद सॉल्व करें, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, x का क्यूब +2x² - x² - 2x। तो ये 2x² - x² तो ये हमारे पास x square आएगा, यानी x का क्यूब +x² - 2x। और इसको हम इस फॉर्म लिख सकते हैं, जो x की पावर 3 को d/dx into x की पावर 4/4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें वही x की पावर 3 मिलेगी। सिमिलरली हम x की पावर 2 को किस तरह लिख सकते हैं, d/dx x का क्यूब /3। और इसी तरह हम -2 × x को किस तरह लिख सकते हैं, x d/dx into x² / 2। तो यहाँ पर देखें, तीनों में dx कॉमन है तो d/dx हमने कॉमन लिया, बाकी हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 4/4 +x³/3 -x² ठीक है। और अब देखें, इसको हमें सपोज कर लिया, ये हमारे पास क्या है, f ऑफ x है, यानी कैपिटल f ऑफ x, यानी d/dx कैपिटल f ऑफ x, ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, f ऑफ x के, यानी यही हमारे पास f ऑफ x है ना, यानी f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, d/dx कैपिटल f ऑफ x, वेयर f ऑफ x की ये हमारे पास वैल्यू है, यानी x की पावर 4/4 +x³/3 -x². तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, अगर हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को रिवाइज करें तो वो हमारे पास क्या है कि इफ अगर d/dx f ऑफ x किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ x की इक्वल हो जाए, देन इंटीग्रल a to b f ऑफ x dx को किसके इक्वल होता है, कैपिटल f ऑफ b माइनस f ऑफ a, यानी हमें ये चीज मिल जाती है। हमें क्या करना पड़ता है कि बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो अगर हमें d/dx f ऑफ x अगर हमें f ऑफ x मिलता है तो हम इस डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमें वही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए हमने लिख लिया कि सो इंटीग्रल -1 to 3 f ऑफ x किसके इक्वल होगा, -1 to 3 x इंटू x -1 इंटू x +2 dx, अब ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ 3 -f(1), यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर देखें b हमारे पास 3 है और यहाँ पर a हमारे पास -1, यानी ये चीज इक्वल हो जाएगी f ऑफ 3 -f(-1)। अब हमें f ऑफ x गिवन है तो यहाँ पर हम पहले 3 पुट करेंगे, फिर माइनस f इंटू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे -1 पुट करेंगे। यहाँ पर हमने पहले 3 पुट किया तो 3 की पावर 4/4 +3 की पावर 3/3 माइनस, अब ये क्या है, 3 की पावर 2 -n2 क्या हो जाएगा, अब हम -1 पुट करेंगे इसी f ऑफ x में x की जगह, तो -1 की पावर 4/4 +-1 की पावर 3/3 -n2 -1 का स्क्वायर। इसको अगर ओपन करें तो ये 81/4 +27/3 -9 n2 क्या आता है, ये अब ये पावर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1/4। अब ये यानी थर्ड पावर है तो ये -1 वैसे रहेगा, तो -1/3 ये क्या हो जाएगा, -1। स्टूडेंट इसको सॉल्व करें, यहाँ पर देखें ये इस दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो वो हमारे पास क्या 12 आता है। इसको अगर हम मजीद सॉल्व करें तो ये क्या आता है, 243 + 108 -108, ये दोनों टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं
और माइनस, अब देखें यहाँ पर इसका भी एल से हमारे पास क्या आता है, 12 आता है। इसको मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, 3 - 4 - 12। इनको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो टोटल हमारे पास आंसर आता है 64/3। तो इस इंटीग्रल की हमारे पास क्या वैल्यू आती है बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो हमारे पास क्या आता है 64/3। अगर स्टूडेंट्स अगर आप इसको वैसे भी सॉल्व करें बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को ना यूज करते हुए, तभी हमारे पास रिजल्ट क्या आएंगे, 64/3 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल -1 to 0 टी स्क्वायर डी टी प्लस 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 to 3 यू स्क्वायर डी यू। अब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इसको हमने टोटल को हमने क्या किया, इस टोटल को हमने लेट कर लिया, ये आई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आई किसके इक्वल है, यही हमारे पास जो हमें इंटीग्रल गिवन है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाए, डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये इक्वल हो जाए एफ ऑफ एक्स के, तो देन इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता है। यहाँ पर देखिए अगर हम मैं डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब ओवर 3 इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो मेरे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर ही आता है। यहाँ पर हमें तीनों स्क्वायर वाले टर्म जाएंगे, यानी यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर यू स्क्वायर है। तो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई, यानी इस वैल्यू के लिए हमारे पास या इस इंटीग्रल के लिए हमें मिली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब ओवर 3, और इसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ टी मिल जाएगा, और इसके लिए हमें एफ ऑफ यू, वैसे वैल्यू यही रहेगी, तो यहाँ पर एक्स यूगा टी और यू रिप्लेस हो जाएगा। तो अब देखें पहला हम इसको सॉल्व करते हैं टी वाले को, तो इंटीग्रल -1 to 0 टी स्क्वायर डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -1। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी में हम क्या करते हैं कि जो हमने एफ ऑफ ये वाला निकाला है एफ ऑफ एक्स में, यहाँ पर पहले 0 पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे -1 को, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल 0 आएगा, माइनस एन टू अब हम क्या कर रहे हैं -1 पुट कर रहे हैं, तो एक्स जो है -1 आ जाएगा, ये -1 का क्यूब ओवर 3, ये टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा 1/3। सिमिलरली अलॉन्ग अब ये जो अभी हमें डी एक्स है या अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 0 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 2 क्या आता है, 2 की पावर 3/3 माइनस, अब ये टोटल 0 बन जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है 8/3। अब थर्ड रह गया एंड 2 2 3 यू स्क्वायर डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। पहले हम क्या करेंगे, इसी एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह हम 3 रिप्लेस करेंगे, फिर 2 रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ 3 क्या होगा, 3 की पावर 3/3 माइनस 2 की पावर 3/3। इसको सिंप्लीफाई करें क्या होता है, 2 27/3 यानी 3 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 27/3 बन जाएगा, और ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8/3। इसको मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होता है 19/3। अब हम क्या करते हैं, आइए हमारे पास ये तीनों का सम है, तो इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं टोटल सम करते हैं, 1/3 + 8/3 प्लस 19/3 तो ये क्या बनता है 28/3। इस इंटीग्रल की हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आती है 28/3 आती है। एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 to π/8 secant स्क्वायर ऑफ 2x dx इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता है डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इंटीग्रल secant स्क्वायर ऑफ अल्फा एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यानी ये हमारे पास यहाँ पर मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहा हूँ, और ये हमारे पास इक्वल होता है 10 α x/α, इसी ये हमारे पास इसी फॉर्म में गिवन है तो हम इसको इसी फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लें, तो 0 to π/8 secant स्क्वायर 2x dx किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 to π/8 secant स्क्वायर 2x dx ये इक्वल हो जाएगा 10 2x/2 यानी अल्फा यहाँ पर 2 है, तो ये 10 2x/2 और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to π/8 बाय यूजिंग दिस फार्मूला, यानी इस रिजल्ट को हमने यहाँ पर यूज किया। तो देखें ये 1/2 बाहर आ जाएगा, बाकी हम क्या करेंगे अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 10 2 × 5/8 माइनस
टेन टू एन टू जीरो, तो देखें ये टू से एट कैंसर यानी यहाँ पर फोर आ जाएगा, तो एन वन और टू एन टू टेन फाइव बाई फोर माइनस जीरो, टेन फाइव बाई फोर हमारे पास वन होता है, तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा वन बाई टू, तो इस इंटीग्रल की यानी हमारे पास क्या आ जाएगी वन बाई टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल नेचुरल लॉग टू को नेचुरल लॉग थ्री ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला देखें इंटीग्रल ए टू बी एफ प्राइम ऑफ एक्स ए की पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, ए की पावर एफ ऑफ एक्स और यानी लिमिट क्या होती है ए टू बी, तो इस चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है माइनस एक्स, यानी देखें सब्स्टिट्यूटिंग एफ ऑफ एक्स यहाँ पर गिवन है माइनस एक्स, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आता है नेगेटिव वन आता है, लेकिन यहाँ पर हमें नेगेटिव नहीं गिवन, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी दोनों साइडों पर यानी बाहर भी मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर भी नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम इसको नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा तो हमें वही ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। तो इंटीग्रल नेचुरल लॉग टू टू नेचुरल लॉग थ्री ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव इंटीग्रल नेचुरल लॉग टू टू नेचुरल लॉग थ्री माइनस, अब यानी ये वाला जो एफ प्राइम है ये यहाँ पर हमने वैल्यू लिख ली वो क्या थी नेगेटिव वन आती है, और ई की पावर एफ ऑफ एक्स वैसे आ गया डी एक्स, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ये नेगेटिव वैसे और ये वाली जो वैल्यू है ये इस फार्मूले के मुताबिक ए की पावर क्या हो जाएगी माइनस एक्स, यानी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या माइनस एक्स है और यहाँ पर इसकी लिमिट क्या हो जाएगी नेचुरल लॉग टू और नेचुरल लॉग थ्री। तो अगर हम नेगेटिव यहाँ से खत्म करना चाहें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं लिमिट को इंटरचेंज कर लेते हैं, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर लें तो यहाँ पर जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव को यहाँ पर हमने खत्म कर लिया तो ए की पावर माइनस एक्स इसकी हमने लिमिट चेंज कर ली तो जो नेचुरल लॉग ऑफ थ्री टू नेचुरल लॉग टू आ गया। ठीक है अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करें तो क्या आता है ए की पावर नेगेटिव नेचुरल लॉग टू माइनस ए की पावर नेगेटिव नेचुरल लॉग थ्री, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला लॉगरिथम प्रॉपर्टी कि ए लॉग बी क्या होता है लॉग बी की पावर ए होता है, तो इसी की इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो ए की पावर नेचुरल लॉग टू की पावर माइनस वन बन जाएगी माइनस ए की पावर नेचुरल लॉग थ्री की पावर नेगेटिव वन, तो ये देखें ई से ये नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाता है ये टू की पावर माइनस वन माइनस थ्री की पावर माइनस वन, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं टू की पावर माइनस वन को यानी वन ओवर टू नेगेटिव वन ओवर थ्री ये टोटल बन जाएगा वन ओवर सिक्स, तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या मिलती है वन ओवर सिक्स मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।